सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे और यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कि ये दावा करते हैं कि घर की सिंपल चीज़ें जैसे नमक, चीनी, विनेगर, टूथपेस्ट, ब्लीचिंग पाउडर और भी काफ़ी रेमेडीज़ हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी की जाँच कर सकते हो और प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हो। वहीं अगर हमारी मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में ऐसी कोई भी तरीका, ऐसा कोई भी रेमेडी मेंशन नहीं है और ऐसा कोई भी दवा मेंशन नहीं है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी की जांच करनी है, उसको कंफर्म करना है, तो आपको बीटा एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आप वाया यूरिन करो या फिर वाया आप ब्लड करो। वहीं इन दावों की बात करें तो ये दावे ये बताते हैं कि बीटा एससीजी का रिएक्शन उन सभी चीज़ों के साथ होता है जो कि इन दावों में बताए जाते हैं, जैसे नमक या फिर विनेगर या फिर टूथपेस्ट। इन दावों के अनुसार जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे या तो उसका रंग बदल जाएगा या फिर उसमें बबल्स उठते हैं। तो ये दावे कितने सच हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इस बात को कन्फर्म करने के लिए आज हम लोग लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। और यूरिन सैंपल हमने दो लिए हैं, पहला प्रेग्नेंट वूमेन का और दूसरा नॉन प्रेग्नेंट वूमेन का। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, ये प्रेग्नेंट वूमेन का सैंपल है यूरिन और ये नॉन प्रेग्नेंट वूमेन का यूरिन सैंपल है। हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़ हैं जैसे नमक, शुगर, ब्लीचिंग पाउडर, विनेगर, टूथपेस्ट और ये शैम्पू। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ कि ये जो यूरिन सैंपल है ये प्रेग्नेंट वूमेन का यूरिन सैंपल है और ये नॉन प्रेग्नेंट वूमेन का सैंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट। और इसका भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, सबसे हमारा फेमस होम रेमेडी टेस्ट बोला जाता है वो है साल्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग साल्ट मेथड को यूज़ कर लेते हैं और उसके लिए खाली गिलास में यूरिन सैंपल डालते हैं, मे बी इतना बहुत होगा। और ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव भी आ गया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये आपको नेगेटिव दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रेग्नेंट वूमेन का थोड़ा सा यूरिन सैंपल डाला है, ऐसे ही नॉन प्रेग्नेंट वूमेन का सैंपल डालेंगे। साल्ट जो टेस्ट है उसमें बोला जाता है कि नमक डालने पर नमक घुल जाना चाहिए और उसमें क्रिस्टलाइन होना चाहिए, पूरा डिसॉल्व नहीं होना चाहिए वो। तो देखते हैं, जो कलर है इसका आप देख सकते हो दोनों का सेम ही है लगभग।
और कोई क्रिस्टलाइज नीचे बने नहीं हैं। ओके, तो आप देख सकते हो दोनों का रिज़ल्ट बिल्कुल इक्वल इक्वल ही है और मुझे नहीं लगता कि दोनों में फ़र्क होगा। जम जाना चाहिए था, क्रिस्टलाइज नीचे हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। तो पहला मेथड तो ऐसे ही गया, दूसरा मेथड लेते हैं शुगर मेथड, और सेम ऐसे ही यूरिन की। डालेंगे, और जितना यूरिन मैंने डाला था उतना वो था भी नहीं, वैसे दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो गई थी। ओके, तो हम लेते हैं अब चीनी, और चीनी घुलनी नहीं चाहिए, और अगर मेल्ट हो जाती है, क्रिस्टल बन जाते हैं चीनी में, तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीनी पूरी जल्दी से घुलेगी, क्योंकि बड़ी चीनी है। वेल गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे चीनी थोड़ी सी रहती है और क्रिस्टल नहीं बने हैं। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट भी मैं बिल्कुल समझूंगा कि फेक टेस्ट है, गलत बताता है, बिलीव करने वाला नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको भी रख देते हैं एक बार। अगला जो टेस्ट है वो टूथपेस्ट टेस्ट है। और ये बोला जाता है कि टूथपेस्ट की 2 चम्मच आपको डालनी होती है। वेल, 2 चम्मच के अराउंड डाल दिया होगा मैंने, सेम इसमें भी। और यूरिन की सिर्फ 2 से 3 बूंदें ही डालनी है, तो डाल के देखते हैं। अब अगर कोई टेस्ट दोनों में से पॉजिटिव हुआ तो वो अपना रंग बदल देगा। बोला जाता है कि अगर ब्लू कलर का है, इसका रंग चेंज होता है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये टेस्ट पॉजिटिव होगा या ये जो रेमेडी है ये काम की है। वेल, यहाँ पर इसका ना तो कलर चेंज हुआ है और ना ही इसकी कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क मिला है। मतलब ये है कि ये जो टेस्ट है यूरिन थ्रू कोलगेट, ये भी फेक है। वेल, आप देख सकते हो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका रंग चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इसमें भी झाग है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और इसका भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो टेस्ट है ये भी फेक है।
अगला हमारा आता है विनेगर टेस्ट, और इसमें दोनों में विनेगर है। बोला जाता है कि अगर विनेगर का रंग चेंज हो जाता है तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। और 2 से 3 बूंदे डालनी है, हम लोग 1 चम्मच यूरिन डाल देते हैं। और गाइज आप देख सकते हो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये, कुछ भी चेंजेस नहीं है। और ये जो टेस्ट है ये भी फेक है, बिल्कुल गलत टेस्ट है। इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। अगला जो टेस्ट है वो ब्लीचिंग पाउडर पर है, और ब्लीचिंग के लिए भी हमें यूरिन डालना पड़ेगा। यूरिन डालने के बाद अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, तो थोड़ा सा ही इनफ होगा। बोला जाता है कि सिर्फ 1 चुटकी डालना होता है, लेकिन मैंने तो कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है। वेल, देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता, या इसमें झाग बनती है कि नहीं बनती। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसमें झाग जरूर बना है, लेकिन वो मैंने चम्मच से ज़्यादा हिला दिया था, इसकी वजह से झाग बना है। अदरवाइज़ ये जो टेस्ट है ये भी यूज़लेस है। ओके, इसको भी रखते हैं साइड में। अगला है हमारा शैम्पू टेस्ट, और शैम्पू के लिए बोला जाता है कि बिल्कुल ज़रा सा शैम्पू डालना है, तो हम भी सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स शैम्पू की डालेंगे। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स। ओके, तो इतना बहुत होगा। आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत झाग है इसके अंदर, ठीक है। अब बोला जाता है कि अगर यूरिन की ड्रॉप्स थोड़ी सी डाली जाए, 1 या 2 बूंद, तो इसमें झाग बनती है, तो हम डालेंगे। और बबल्स उठने चाहिए, एक्टिव होना चाहिए जब हम डालें तो। लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जब मैंने इसकी ड्रॉप्स डाली। तो यहाँ पर जितने भी मेथड थे हमारे, चाहे वो शैम्पू हो या फिर ये साल्ट मेथड हो या टूथपेस्ट मेथड हो, विनेगर मेथड हो हमारा, कोई भी मेथड है वो बिल्कुल फेक है, क्लियर है, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं देता, बस टाइम वेस्टिंग के लिए। हालांकि ये जो साल्ट टेस्ट था पहले, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया था, बट अब ये ट्रांसपेरेंट है जैसा कि आप देख सकते हो, और दोनों का जो कलर है वो भी सेम है। तो गाइस आपने अपनी आंखों से देख लिया होगा, और मुझे इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन आउट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है तो सिंपली फार्मेसी पर जाएं और वहां से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करें, या फिर वाया ब्लड भी आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। होम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से प्रेगनेंसी कैसे कंफर्म करते हैं, टेस्ट कब करें, कैसे ना करें, उसके लिए इस वीडियो को देखें। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन आउट किया हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।